गुड इवनिंग एवरीवन एंड नमस्कार आप सभी को, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उन सभी को प्रणाम। और मैं अपने लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी कि हम 6 सिस्टर हैं, 2 मेरी कजन हैं और 4 हम रियल हैं, और 6 के 6 हम कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं। हमारी फैमिली ही रेसलिंग से जुड़ी है। मेरे दादाजी थे वो भी एक रेसलर थे, मेरे पिताजी हैं वो भी रेसलर थे। हमारी रेसलिंग की शुरुआत जब 2000 में करण मलेश्वरी का जब मेडल आया था, वेट लिफ्टर हैं करण मलेश्वरी, तो हम सभी बैठे टीवी पे देख रहे थे। हमारी उम्र कम से कम 8 या 10 साल होगी, तो हम सभी देख रहे थे कि हमें भी खुद भी नहीं पता था कि ओलंपिक क्या होता है, लेकिन मेरे पापा देख रहे थे कि ये भी किसी की बेटी है, अगर ये ओलंपिक में मेडल लेके आ सकती है तो मेरी भी 4-4 बेटियां हैं, क्यों ना ये ओलंपिक में 4 मेडल दिलाऊं मैं इनसे। तो इसी सोच और लगन के साथ मेरे पापा ने हमारी रेसलिंग स्टार्ट करवा दी। हम एक बच्चे जो गेम खेलते हैं एंजॉय के तौर पे, हमने वैसे ही स्टार्ट की थी, लेकिन जैसे जैसे पापा की ट्रेनिंग हार्ड होती गई, धीरे धीरे बढ़ती गई, तो हम उस चीज़ से दूर भागने लगे कि नहीं, ये तो हमें तकलीफ दे रहा है। क्योंकि पापा सुबह 4 बजे हमें उठाते थे और फिर 2.5-3 घंटे प्रैक्टिस करवाते, आके फिर नहा धो के खा पी के फिर पूरे दिन स्कूल में, वापस आते ही फिर प्रैक्टिस, रेस्ट तो कहीं मिलता ही नहीं था हमें। तो हम इंतज़ार करते थे कि रेस्ट किसी दिन मिले हमें, न संडे का रेस्ट, न मंडे ट्यूसडे, किसी दिन किसी भी टाइम कोई रेस्ट नहीं मिलता था। तो हम इंतज़ार करते थे कब बारिश होए हमारा रेस्ट होए, हम बारिश का इंतज़ार करते थे, क्योंकि बारिश होगी तो खाड़े में पानी भरेगा तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो हम उस चीज़ का वेट करते थे। अगर फादर की जगह अगर हम किसी और कोच के पास अगर ट्रेनिंग करते होते तो शायद हम अखाड़ा छोड़ के घर वापस आ जाते, लेकिन अखाड़ा भी हमारा घर में ही था, फादर हमारे कोच थे, कहीं जा भी नहीं सकते थे, हमारी मजबूरी थी वो करना, और वो मजबूरी आज हमें इस मुकाम पे ले आई कि हमें कहे कि आप रेसलिंग छोड़ दो, हम बोलेंगे कि हम जीना छोड़ देंगे लेकिन रेसलिंग नहीं छोड़ेंगे। तो आज हमें रेसलिंग से इतना प्यार हो गया है क्योंकि रेसलिंग ही सब कुछ दिखाई देता है। अभी उन्होंने बताया आपको कि हमारे ऊपर जो दंगल जो मूवी आ रही है आमिर खान ने बनाई है, तो वो हमारी रियल स्टोरी है, उसमें हमने एक स्टोरी सुनी है, तो उसमें कुछ भी फेक नहीं है, कि एक वर्ड भी अगर फेक हो तो हम माने कि ये फिल्म है, लेकिन वो रियल स्टोरी है जो भी है। और हमें काफ़ी खुशी होती है कि हमारी वजह से आज लोग इंस्पायर हुए हैं, कुछ लोगों को मूवी देख के प्रेरणा मिलेगी, एक बाप बेटी का रिश्ता वो कैसा होता है, तो सब कुछ बहुत अच्छा है फिल्म के अंदर। और मेरी सबसे खुशी, लोग सोचते हैं कि त्यौहार हम दिवाली मनाएं, होली मनाएं, लेकिन हमारा त्यौहार तभी बनता है जब विदेश में हमारी वजह से झंडा लहराता है, वो ही हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है। और आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और दुआएं हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।